नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी मिल सके और आप उस जानकारी से अवेयर हो सकें और किसी न किसी ब्लैक मिलिंग जैसी चीज़ में फंसने से बच जाएँ। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों ने सवाल पूछा है कि सर क्या वो लड़की जो लड़की हमें ब्लैकमेल करती है, जो एक लाइन वाली टी शर्ट्स पहनती है, तो क्या उसने सुसाइड कर लिया है? क्योंकि अब जो बदलाव आ गया है इसमें जो ब्लैकमेलिंग का है उसमें तो कुछ बदलाव किया है जो ब्लैकमेलर हैं उन्होंने, कि जब ब्लैकमेलिंग का पैसा आता जाता है तो इसको मतलब तरह तरह के अलग अलग तरीके से किस तरीके से उससे लिया जाए, ताकि जो व्यक्ति है वो सामने वाला डर में भी रहे और पैसा भी देता रहे। तो ये जो है वो मैं आपसे कुछ तरीके कुछ जो ब्लैकमेलिंग का जो तरीका है, जो मैं आपको कॉमन चीज़ें बताता है आया हूँ, मैं उसी में थोड़ा सा बदलाव करके आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि इन्होंने जो पद्धति है जो जिसकी ब्लैकमेलिंग करने की, वो थोड़ा सा बदल दिया है, उसको उसमें चेंज किया है। अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने आती तो आप सतर्क हो जाएं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जिस समय से मोस्ट कॉमनली जो ब्लैकमेलिंग वो फेसबुक के द्वारा ही होती है, हालांकि और भी एप्लीकेशन हैं जिनके द्वारा ब्लैकमेलिंग में लोग फंस जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया गया है वो जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ किया गया। तो वहाँ से किसी व्यक्ति के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट आने के बाद वो मैसेंजर बातें होती हैं, मैसेंजर बातें होने के बाद फिर वहाँ से व्हाट्सएप पर स्विच करते हैं और व्हाट्सएप पर कुछ बातें करने के बाद फिर वहाँ पर एक वीडियो क्रिएट की जाती है। तो वीडियो बनाने के बाद उससे स्टार्ट करी जाती है उससे ब्लैकमेलिंग, उससे पैसे लेने के लिए। तो तरीके होते हैं इसमें पहले जो ब्लैकमेलर है वो ये कहता है कि मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ, आपकी वीडियो है जो बहुत गंदी वीडियो है जो कि YouTube पर अपलोड हो रही है, और अगर इसको आप डिलीट कराना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा देना होगा। तो कुछ अमाउंट की रकम की मांग की जाती है। साथ ही साथ में कुछ लोग हैं जो पैसा दे देते हैं और देने के बाद फिर उससे से लगातार पैसा की मांग की जाती करती ही जाती है और करते 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 एक समय ऐसा आता है कि इनको ये बताया जाता है कि जो लड़की जो है वो सुसाइड कर लिया है उसने। तो ऐसा बोलने के बाद लोग जब बहुत ज़्यादा पैसा दे चुके होते हैं और उसके बाद जब लास्ट में जब ये मोमेंट आता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, जो जिस लड़की के साथ में आपने कल रात को वीडियो कॉल किया था और उसने सदमे में आकर सुसाइड कर लिया है, और अब आपके नाम पर जो है वो केस रजिस्टर कर लिया गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ से निकलना है तो आपको इतना पेमेंट करना है, ताकि ये दरोगा जी जो है ये इस चीज़ के लिए राजी कर जाएं और फिर आपको इस केस से बाहर निकाल दिया है। तो इसके नाम पर मतलब सुसाइड करने के नाम पर जो बताया जाता है, और उसके बाद आपको एक रकम बताई जाती है, तो आपको बताया जाता है कि आप डर के मारे बोलते हैं कि सुसाइड कर लिया, तो हो सकता है कहीं सच ना हो। तो ये जो सवाल है, ये जो बताया जाता है आपके लिए, जो हमसे पूछा गया सवाल, ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ये जो बताया जाता है कि आपको आपके नाम पर केस रजिस्टर हो गया है और आपने आपकी लास्ट कॉल जो है वो लड़की ने आपके पास में की है, इसीलिए आपका नाम भी इसमें आ रहा है, अगर आप चाहते हैं इससे बचना तो आप इतना पैसा दें, तो कुछ पैसे की मांग उससे रकम की जाती है और उसके आधार पर उसको बताया जाता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो ये जो बात है जो आपको बताई जाती है, ये इसलिए है ताकि आप उससे सदमे में आ सकें और आप उसके दी बताई हुई रकम जो है वो आप उसको दे सकें। ऐसे समय पर देखिए, जो क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली सवाल मुझसे पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ के लिए बताकर आपको समझाया जाए। ये जो है, इस लड़की का पता नहीं, ये लड़की कौन है, कहाँ से है। कई कुछ लोग मुझे बताते हैं कि सर ये रशियन है, कोई कहता है कि ये कश्मीरी है, कश्मीर की है, मतलब तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, लेकिन हमें अभी तक सही जानकारी इसके बारे में बिल्कुल नहीं मिल पाई है। ये कौन है, क्या है, कहाँ से है, कुछ नहीं मिल पाई है इसके बारे में। लेकिन ये चीज़ जो सामने आ रही थी कि क्या उसने सुसाइड कर लिया, इसके बारे में भी सही ही बात नहीं मालूम है, क्योंकि लोग जब बताते हैं तो हम आपको वो जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आप भी इसी से जागरूक हो सकें और आप सब चीज़ों को समझ सकें। तो ये जो सुसाइड करने वाली बात है वो 100% झूठ है, और इसका क्या है, कहाँ रहती है, कुछ मालूम ही नहीं है कुछ भी। बस ये है कि ब्लैकमेलिंग के लिए इसका वीडियो इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ज़्यादातर केसेस इसी के साथ में होते हैं। और एक लड़की और है जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, उसमें बताई थी कि दो लड़कियां हैं, ये दो लड़कियों की वीडियो जो है इनके बिहाफ पर आपको क्लिप दिखाकर या फिर आपको किसी तरीके से वो वीडियो कॉल करके आपको फंसाया जाता है,
और आप फिर उसमें फंस जाते हैं और आप कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसमें बाद में आपको ही पछताना होता है कि मैंने ये गलती क्या कर दी। कुछ लोग तो ऐसा है कि उसको देख कर मास्टरबेट तक कर देते हैं और गलत चीज़ें बहुत जल्दी वो हो जाता है। लड़के हैं तो कहीं ना कहीं उत्सुक हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको खुद अपने आप को सेल्फ कंट्रोल भी करना है ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। और ये जो बताया गया है, ऐसे ही अगर आपके पास में कोई फ़ोन कॉल आता है किसी के साथ पास में आता है, यानी कि ब्लैकमेल में फंसने के बाद अगर ऐसा कोई कॉल आता है कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, तो सुसाइड नहीं किया, सुसाइड के नाम पर आपसे पैसा मांगा जा रहा है, क्योंकि सुसाइड यानी कि मर्डर, कत्ल, तो बड़ी चीज़ें हैं यानी जो कि बहुत अपने आप में एक घिनौना अपराध है। तो उसको अपराध को देते हुए बताते हुए आपके लिए आपसे वो एक्सट्रॉट किया जाता है मनी, तो इससे बेहतर है कि आप उन चीज़ों से बचें, समझें। और ऐसी कर कोई किसी के पास कॉल आती है तो आप समझ जाएं कि ये नहीं है, ये एक्सट्रॉट करने वाली बातें हैं बस। तो ऐसे समय पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन सब चीज़ों में फंस गए हैं, पहली बात तो फंसने से पहले कोशिश करें कि ना फंसें, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो समाज में बढ़ रही हैं, चल रही हैं। तो ये एक जागरूक करने के लिए एक हमारी कोशिश है कि आप सब लोग जागरूक हों, और जब जागरूक होंगे तो आप अपने आप ही इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। बहुत लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर हम आपकी वीडियो देखिए, और आपकी वीडियो देखने वजह से हम बच गए। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप बच गए, लेकिन और सब लोग बच जाएं ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब शेयर करेंगे तो लोगों तक जानकारी पहुँचेगी, जब जानकारी पहुँचेगी तो फिर इन सब चीज़ों से बचने जो फंसने से बच जाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी और आप सब लोग जुड़ते रहिए, इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और भी जानकारी लोगों तक पहुँच सके। एक हमारी कोशिश है आपको जानकारी पहुँचाना, और लेकिन आपको भी एक कोशिश बननी चाहिए कि आप भी और सब लोगों को जागरूक कर सकें। सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल ज़्यादा वीडियो घूमेगा, और शेयर करेंगे तो लोगों तक वो जानकारी पहुँचेगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप सब लोग समझदार हैं, समझदार बने रहिए और अपडेट रहिए ताकि किसी भी प्रकार की जो ब्लैक मिलिंग है, और जैसे ही मेरे पास जानकारी आती है मैं आपको जानकारी वो शेयर करता हूँ ताकि आप भी इन सब चीज़ों से जागरूक रह सकें। तो बस इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।